हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके। तो बिजनेस का समय एकदम डेंजर आता है, तो ये टेबल है और फिर आधा एडजस्टमेंट नहीं दे रहे, ओके। तो बुक तुम्हारे लिए मैं चेंज करते रहूँगा, तो आ जाओ। तो ये बिजनेस का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन में, क्या लिख के आएगा? नेट प्रॉफिट लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? नेट प्रॉफिट। और ऐसे एडजस्टमेंट भी दिया है, तो पहले आपको ना फॉर्मेट आना चाहिए, राइट। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का ये फॉर्मेट ऐसा है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ऐड करके लिखेंगे एक्सपेंस डिसअलाउ। एक्सपेंस डिसअलाउ का मतलब होता है जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जो पर्सनल होता है, जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है, वो लिखने का। सेम इनकम डिसअलाउ, जो बिजनेस का बाहर का इनकम है वो लिखने का। और फिर डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट रूल, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, वो लेस करने का। मतलब इसको खेलेंगे ना, टाइम पास करेंगे ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। तो पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस करेंगे, फिर अदर सोर्स, फिर ग्रॉस टोटल, फिर डिडक्शन। इस तरह तुम्हारा सम सॉल्व होता है, राइट। तुमको एग्जाम में 15 मार्क के लिए आता है, तो 15 मिनट के अंदर सम सॉल्व करते हो, तुमको आधे घंटे में करने हैं, तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करो, मान लीजिए एडजस्टमेंट सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो? इधर बोला है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। क्या बोला है? डेप्रिसिएशन बोला है एज पर इनकम टैक्स रूल। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, एक टेबल में होएगा डेप्रिसिएशन और एक इधर होएगा। जो टेबल में होएगा ना, उसको एक्सपेंस डिसअलाउ में डालना। जो टेबल वाला डेप्रिसिएशन होएगा, वो किस में डालेंगे? एक्सपेंस डिसअलाउ। किधर डालेंगे? एक्सपेंस डिसअलाउ। तो कितना दिया डेप्रिसिएशन? 35। तो मैं टेबल वाला डेप्रिसिएशन किधर लिख दिया? एक्सपेंस डिसअलाउ में लिख दिया। बट जो एडजस्टमेंट में दिया है ना, डेप्रिसिएशन हैज पर इनकम टैक्स रूल 38,000, उसको इधर डालेंगे, लेस में डालेंगे, ए बी सी डी। तो कितना दिया अमाउंट? 38,000। कितना दिया है? इसको ब्रैकेट में डालेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। फिर इधर क्या बोला है? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो जो स्टाफ वेलफेयर होता है ना, इधर दिया है स्टाफ वेलफेयर, मतलब एम्प्लॉयज को कंपनी ने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया 70,000। तो ये बिजनेस का ही होता है। बट इधर क्या बोला, जो स्टाफ वेलफेयर है उसमें 20,000 ओन ट्रीटमेंट, खुद के ऊपर ट्रीटमेंट किया, मेडिकल का इंश्योरेंस। तो खुद के ऊपर बोले तो पर्सनल हो गया ना, तो 70 में से 20,000 डिसअलाउ हो गया, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। कितना था? 20,000। तो इधर जो पर्सनल एक्सपेंस है, जो खुद पे खर्चा किया, वो लिखने का रहता है। इस तरह हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड क्या बोला है? 50% ऑफ रेंट इज पेड, रेंट भरा फॉर रेसिडेंशियल हाउस। किसके लिए भरा उसने? रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो इधर रेंट भरा है, तो रेंट तो ऑफिस का ही होता है, पर इसका 50%, तो 30,000 का 50% कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 किसका भरा? वो रेसिडेंशियल, मतलब खुद के घर का। अगर बिजनेस का भरा रहता तो नहीं आता। इधर लिखेंगे रेंट और ब्रैकेट में डालेंगे पर्सन। क्या डालेंगे? पर्सन। कितना पर्सन था? 50%। तो 30,000 का 50% कितना हो जाएगा? 15,000। ये हो जाएगा एक्सपेंस डिसअलाउ, क्योंकि वो पर्सनल हो गया। बस ऐसे करने का है। अब इधर बोला प्रिंटिंग, इधर देखो एक दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो जो भी प्रिंटिंग होता है, स्टेशनरी होता है, वो 25,000 है। पर इधर क्या बोला? 5,000 जो प्रिंटिंग हुआ वो एडवर्टाइजमेंट का नहीं हुआ, अपनी बेटी की शादी का कार्ड का खर्चा बिजनेस में डाला। तो बेटी बोल तो पर्सनल, तो ये पर्सनल खर्चा हो गया। तो इधर लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इधर डाल दो मैरिज। क्या डाल दो? मैरिज। कितना हो गया? 5,000। तो इधर समझ में आ गया एक्सपेंस डिसअलाउ में क्या लिखना है? ऑल पर्सनल एक्सपेंस लिखना है। फिर इतना एडजस्टमेंट होने के बाद, जो चार ही एडजस्टमेंट दिया है, फिर स्टार्टिंग से आएंगे। कहाँ से आएंगे? स्टार्टिंग से। अब देखेंगे जो बिजनेस का है वो नहीं लिखेंगे, जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटी है वो आएगा। तो सबसे पहले क्या दिया? सैलरी। ये तो बिजनेस का ही होता है, ओके, ये नहीं लिखेंगे। रेंट भी बिजनेस का ही होता है, पर इसमें से हमने कितना अमाउंट लिया? 50,000 लिया, ओके। एंटरटेनमेंट भी बिजनेस के लिए होता है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी बिजनेस का था, पर 5,000 मैरिज का था, इसलिए लिया था, राइट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बिजनेस का है तो नहीं लेंगे। मोटर कार भी बिजनेस का है तो नहीं लेंगे। ड्राइंग पर्सनल होता है, क्या होता है? पर्सनल। तो पर्सनल एक्सपेंस आएगा ना, इधर लिखा जाएगा ड्राइंग 60,000। कितना लिखेंगे? 60,000, सिंपल, क्योंकि ड्राइंग पर्सनल होता है। इनकम टैक्स भी आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता ना, जो बिजनेस के अंदर का खर्चा है ना, वो नहीं लेना है, जो उसके अलावा होता है वो लिखना है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, क्योंकि बिजनेस के बाहर का खर्चा है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। तो इसके इनकम टैक्स भी आएगा, ओके। डेप्रिसिएशन भी आएगा, 16,000 दिया था, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला है? एम्बेजलमेंट एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉय ने झोल किया, चोरी किया, तो भी बिजनेस का ही हो गया। स्टाफ वेलफेयर बिजनेस का हो गया, पर इधर बोला था इसके लिए हमने 20,000 लिख लिया, है ना। डोनेशन बिजनेस का थोड़ी होता है, तो डोनेशन क्या होता है? एक चैरिटी होता है ना, जो किसी को दिया जाता है, तो डोनेशन भी एक कौन सी एक्टिविटी गई? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी गई, इसलिए वो एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा। डोनेशन कितना आएगा? 30,000। फिर उसके बाद क्या बोला है? डेप्रिसिएशन। क्या बोला है? उसको टॉप में ही लिख देंगे ना, डेप्रिसिएशन को, ठीक है।
नेट प्रॉफिट तो एकदम सबसे पहले आएगा, तो नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, नेट प्रॉफिट कितना दिया था 3 लाख, तो ए में लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख, कितना लिखेंगे 3 लाख। तो जैसे एक्सपेंस डिसअलाउ लिखा ना तुमने, वैसे इनकम डिसअलाउ लिखने का, क्या लिखने का, इनकम डिसअलाउ। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, ये तो बिजनेस का था, इसको नहीं लेंगे, बाकी सब अदर सोर्स है। देखो ना यार, बाहर से पैसा आ रहा है ना, तो ये हो गया इनकम डिसअलाउ, क्या हो गया, जो पैसा बाहर से आए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, डिक्टो नाम और अमाउंट कॉपी कर देंगे फटफट, है ना। तो क्या क्या आया पैसा, यूटीआई डिविडेंड आया, फटफट लिख देता हूँ, यूटीआई डिविडेंड का पैसा आया, कितना आया 9000। इनकम डिसअलाउ क्योंकि बाहर का पैसा है, एलआईसी का पैसा आया, कितना 1000 आया, 5000। गिफ्ट आया, माँ से आया, माँ ने दिया गिफ्ट 5000। विनिंग फ्रॉम पजल, पजल होता ना न्यूज़पेपर का, वो उधर से उसने पैसा जीता। और इंटरेस्ट आया, क्या आया इंटरेस्ट, किस पे आया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 3000। ओके, इस तरह भी हमने एंट्री पास कर दिया। अभी मेन पार्ट आया कैलकुलेशन का, मेन पार्ट किसका गया अपना, कैलकुलेशन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, राइट। तो इसको ऐड करेंगे ना, तो तुम्हारा अमाउंट आ रहा है 181000, कितना आएगा 181। तो नेट प्रॉफिट को ये अमाउंट का जो टोटल है, ये और ये ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, मतलब जो भी एक्सपेंस डिसअलाउ है वो ऐड करेंगे। तो 3 लाख को कितना ऐड करेंगे, 181, तो आपका आ जाएगा 481000, कितना हो जाएगा 481। अभी है ना इनकम डिसअलाउ, इसका टोटल बाहर डाल देंगे, राइट। तो 9, 5, 5, 12, 3, तो इसका टोटल 34000 आएगा, कितना आ गया 34। इसका टोटल कितना आएगा, ब्रैकेट में आएगा, किसमें आएगा, तो ये टोटल से दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 481 माइनस 34 माइनस 38, तो अपना है 409000, कितना है 409000। तो इसको क्या नाम देंगे, माने में इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस डिसअलाउ जो बिजनेस का नहीं था, जो पर्सनल एक्सपेंस था वो लिखा, इनकम डिसअलाउ जो बिजनेस का इनकम नहीं था वो लिखा, ये और ये ऐड होएगा, ये डाल के ये दोनों क्या होएगा माइनस, इससे ये दोनों क्या होएगा माइनस, तो आपको मिला इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हो गया बिजनेस से। पर अभी अपन क्या पढ़ रहे, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, तो जिसमें अदर सोर्स भी होता है और डिडक्शन भी आता है। तो अभी अदर सोर्स के लिए क्या करेंगे, ये नाम फिर से लिखेंगे। अभी इसमें हमारा नॉलेज डालेंगे, अगर इस पर टैक्स लगेगा तो अमाउंट शो करेंगे, अगर माफ रहेगा तो छोड़ देंगे, राइट। तो यूटीआई डिविडेंड, ये नाम फिर से कॉपी करके लिख देने का, यूनिट ट्रस्ट का डिविडेंड टैक्सेबल होता है, क्या होता है ये, तो 9000 का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल, इधर 9000 लिखेंगे, राइट। तो हम लोग किस पे लड़ाई कर रहे हैं, वापस है ये पूरे 5 नाम पे। फिर LIC का पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, वो भी क्या है टैक्सेबल है, LIC म्यूचुअल फंड वो भी क्या है टैक्सेबल। पर गिफ्ट फ्रॉम मदर, माँ से जो गिफ्ट मिला है वो माफ नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो आप लोग लिखेंगे इधर एग्जेम्प्ट, क्या लिखेंगे इधर, और इधर डैश मार देंगे, सिंपल। 1 लाख से अगर माँ ने ज़्यादा गिफ्ट दी रही थी तो टैक्सेबल था, अगर iPhone 15 दी रही थी 1.5 लाख का तो टैक्सेबल होता, ओके। अगर दोस्त का लिमिट है 50000, घर वाले का लिमिट है 1 लाख, ओके। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स टैक्सेबल होता है, क्या होता है वो टैक्सेबल होता है। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट टैक्सेबल होता है, क्या होता है वो टैक्सेबल। तो 3000 भी क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। तो आपको याद करना पड़ेगा कि किस पे टैक्स लगता है किस पे टैक्स नहीं लगता है। तो फिलहाल ये 5-6 नाम में मैंने याद करा दिया, इस पे टैक्सेबल, इस पे माफ़ है। तो ऐसे और 7-8 सम 10-12 सम सॉल्व कर दिए ना यार, तो ऐसे रीड कर देंगे, नया नया आता रहेगा, मैंने करा दिया तो आपको याद हो जाएगा पूरा टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, ओके। अभी सबको ऐड कर देंगे, 9, 5, 14 हो जाएगा, और 12 डालेंगे तो 26 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 29 हो जाएगा। ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको टोटल इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा टोटल इनकम 4,38,000, क्या मिलेगा 4,38,000, वो आपका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले आया इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दोनों को जोड़ के क्या है टोटल इनकम। अभी तो जो भी डिडक्शन रहेगा वो लेस करेंगे, डिडक्शन रहेगा वो भी क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है। तो डिडक्शन क्या आएगा, इधर अगर कोई हैंडीकैप बोला रहता है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट बोला रहता प्रोविडेंट फंड में, तो वो डिडक्शन में आता है ना। इधर भी कुछ बोला रहता है LIC में इन्वेस्ट किया, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो एक है डिडक्शन, वो है NSE का इंटरेस्ट, तो ETC में आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इट इज़ टैक्सेबल एंड डिडक्टिबल, टैक्सेबल और तो डिडक्शन में क्या आता है इन्वेस्टेड कंट्रीब्यूटेड पेड आता है ना, तो ये एक ही इधर डिडक्शन मिला ATC में मिला, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो कितना आया था वो 3000 आया था, कितना आया था वो 3000, क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे, मतलब ये 4,38,000 में से 3000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो डिडक्शन मतलब माइनस करेंगे, तो 4,35,000 कितना है 4,30,000, तो ये हो गया नेट टैक्सेबल इनकम, क्या हो गया ये
फिर इसके ऊपर उसको टैक्स देने का, इसके ऊपर क्या देने का इसको, तो 2.5 लाख के ऊपर तो माफ है टैक्स, फिर 2.5 लाख के ऊपर जितना भी आएगा उसके ऊपर 5% है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ कि कितना टैक्स पे करना है, टैक्स का स्लैब होता है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या था ये तुम्हारा, इनकम फ्रॉम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।